आई डोंट बिलीव दिस। मैं सोच ही नहीं सकता कि मंजू ऐसी घटिया हरकत कर सकती है। बल तुमने कभी ये सोचा है कि मंजू ने ऐसी घटिया हरकत किस वजह से की? शी इज गोइंग मैड, वजह यही हो सकती है। नहीं, ये वजह नहीं है, इसकी वजह हो तुम। मैं? हाँ, तुम। अगर उससे तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी बेइज्जती कर सके। Now you are going mad. No, I'm not going mad. तुम उससे मिलते रहते हो ना, ये सब तुम्हारी मुलाकातों का नतीजा है। वरना आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह से बदसलूकी कर सके। Why are you blaming me? मैंने कहा मंजू से कि इस तरह की हरकत करे तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मंजू से बार बार मिलने की क्या जरूरत है तुम्हारी? Shut up, okay? जो भी मन में आता है भगती रहती हो। राज, तुम मान क्यों लेते हैं कि तुम अब भी मंजू के पास वापस जाना चाहते हो? You want to go back to her? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ मंजू के पास वापस। Okay? I want to go back to her. Happy? चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं, वो मुझे जाना है। जाना जरूरी है। जी सुधीर, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। टीना, प्लीज रुक जाओ। अगर रुक सकती तो रुक जाती सुधीर, लेकिन रुकना नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं यहां आती ही नहीं। टीना प्लीज मत जाओ, मेरे खातिर। ठीक है, मैं बस एक फोन कर लेती हूँ। हेलो नीलू। क्या? हाय टीना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। और सुधीर कैसा है? ही इज नॉट गुड। आई थिंक तुम थोड़ी देर और रुक जाओ उसके साथ। इनफैक्ट नीलू, मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, इसलिए फोन किया। हाँ, सो डू दैट। देखो, उसे तुम्हारी जरूरत है अभी। यू बी विद हिम। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ ना नीलू? तुम मुझे क्या परेशान करोगी? हाँ, स्नेहा जरूर परेशान कर रही है मुझे। बहुत मुश्किल उसको संभालना टीना। हाँ मैं जानती हूँ, इट इज डिफिकल्ट। मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है, कल बात करते हैं। तुम वापस आ जाओगी तो कल बात करते हैं ना? या, थैंक्स, बाय। क्या है, क्यों खड़ी है मेरे सर पे? मैडम जी, एक बात बोलो, आप दोनों के बीच जो खिटपिट चलता है ना, वो जरा भी अच्छा नहीं लगता। तो तुझे क्या लगता है, मुझे अच्छी लगती है? मैडम जी, अपने मर्द के साथ किस औरत का झगड़ा नहीं होता, पर थोड़ा तो आपको भी समझने का ना मैडम जी। चल, अब तू ही एक बच्ची थी मुझे एहसास दिलाने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है ना? अरे नहीं मैडम जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। तू चुप हो जा, कुछ समझती तो है नहीं, ऐसे ही बोलती जाती है। मैडम जी, समझती नहीं तो क्या हुआ, पर देखती तो हूँ ना। और क्या देख लिया तूने? पता है, साहब जब वकील बाबा से बात कर रहे थे तो कितने टेंशन में थे। इसमें तूने क्या टेंशन देख ली है? मैडम जी, एक बाप के सिर पे बेटे की शादी से बड़ा टेंशन और क्या होगा, वो भी तब जब उनका इतना टाइम खराब चल रहा है। पता है, मैंने साहब को किसी से बात करते हुए सुना था फोन पर। फोन पर?
किससे? कोई बैंक वाला होगा, पूछ रहे थे कितना पैसा है, फिर एकदम से उनका मुंह छोटा सा हो गया। मुझे तो पता नहीं, शायद आपको पता होगा। हाँ, जा तू अंदर जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जी ठीक है, अभी लाती हूँ। ओह माय गॉड, विकी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना है, ये तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? जो होना था वो तो हो गया सुधीर, ये तो किसी के बस में नहीं था। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और ये सब मेरी वजह से हुआ है टीना। सुधीर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर दोष नहीं है तो फिर सजा मुझे क्यों, मिकी को क्यों, जो इतनी कम उम्र में इतना दर्द झेलती रही। और सुधीर, देखो सुधीर, जिसकी जितनी सांसें होती है वो उतना ही जीता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि मौत से सजा उसे मिलती है जो चला गया है, या फिर उसे जिसे वो छोड़ गया। तुम्हारे इस गम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ, पिताजी और मैं, मिकी के जाने का हम सबको बहुत अफसोस है। मिकी के आने से हमारे रिश्ते में दरार आई, हम अलग हुए, उसके बावजूद भी तुम। हाँ सुधीर, ये सही है कि मिकी की वजह से हम अलग हुए, लेकिन अगर मिकी के जगह कोई और होता ना, तब भी हम दोनों के बीच दरार आ जाती। लेकिन मिकी थी इतनी अच्छी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाता। इतनी भली, इतनी मासूम, मैं समझ सकती हूँ कि मिकी की यादों को तुम्हारे दिल से निकालना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा सुधीर। बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश ये वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, और इस वक्त में मैं तुम्हारे साथ। तुम अपना ख्याल रखना। गीता, गीता। जी मैडम जी। मैं खाना नहीं खाऊंगी, डिनर फ्रिज में रख दो। पर साहब ने भी कुछ नहीं खाया मैडम जी। साहब सो गए हैं, किचन साफ कर दो और सो जाओ। एक मिनट मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। क्या लेकर आई? ये तांत्रिक बाबा के वहाँ से, ये मैं आपके लिए लेकर आई, इसे ना साहब के तकिए के नीचे रख देने का। इससे क्या होगा? इससे वही जो आप चाहती हैं, साहब का मंजू मैडम की तरफ से दिमाग हटेगा और बस वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। अच्छा, और ये पेपर क्या है? हाँ, ये ना, ये मैडम जी मंत्र है, इसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ के सोने का मैडम जी। अच्छा। हाँ, फिर और हाँ मैडम जी, ये है ना, ये साहब के बिस्तर के बाजू वाले टेबल पे ही रखने का।
और अगर साहब ने पूछ लिया ये क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैडम जी, कुछ भी बहाना मानने का, पर इसे टेबल पे ही रखने का, इसके अंदर बाबा की शक्ति है, ये बेडरूम में रहेगा ना तो अपने आप सारा प्रॉब्लम घर से बाहर भागेगा। सच्ची गीता, ये सब करने से मेरे लिए कोई उल्टी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी होगी ना? नहीं नहीं मैडम जी, आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर देखना, वो मंजू मैडम है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और साहब भी आपके इशारों पर नाचेंगे। सच्ची? ठीक है मैडम जी, ये अचानक आपको क्या हो जाता है? आप बहुत सोचती है, आप बस आप कुछ सोचिए मत, जैसा तांत्रिक बाबा ने बोला आप बस वैसे ही करिए। जाइए। नहीं गीता, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। नहीं पढ़ना चाहती? पर क्यों मैडम जी? कह दिया ना मुझसे ये सब नहीं होगा, ये सारी चीजें ले जा और वो तांत्रिक बाबा को वापस कर दे। अभी एकदम से क्या हो जाता है मैडम जी आपको? आप खाली फोकट ही घबराती हैं, ऐसे टाइम पर ये जादू टोने ही काम आता है। गीता, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार औरत हूँ, मानती हूँ कि कुछ देर के लिए बहक गई थी, लेकिन ये सारी चीजें बकवास है, नहीं पढ़ना मुझे इस चक्कर में, ले जाए इसे यहाँ से। मैडम जी बकवास नहीं है। अच्छा आपको ऐसा लगता है ना तो मैं जाती हूँ, मैं इसे रख के आती हूँ। एक बार कह दिया ना मुझे ये चीजें घर में नहीं चाहिए, वापस कर दो उस तांत्रिक बाबा को ये सब चीजें। पर मैडम जी आप साहब को कैसे जीतेंगी? मुझे तेरे साहब को जीतने के लिए किसी तांत्रिक के जादू तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया ना, बहस मत कर, जा यहाँ से। पर मैडम जी, मैं तेरे साहब से प्यार करती हूँ, उन्हें अपने सच्चे प्यार से जीतना चाहती हूँ, किसी तांत्रिक वांत्रिक की मदद से नहीं। अब बहस मत करो और ले जाओ इसे बाहर, जाओ जाओ। पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। तुमसे प्यार नहीं होता ना राज, तो तुम्हें खोने का डर भी नहीं होता। और जैसे जैसे तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये डर भी कि कहीं तुम्हें गवा ना बैठू मैं, कहीं मंजू तुम्हें मुझसे दोबारा ना छीन ले, और कहीं तुम मुझसे अलग हो गए तो भी दोष मेरे प्यार का नहीं होगा, किस्मत का होगा। मान लूंगी कि हमें अलग ही रहना है और तुमसे प्यार करती रहूंगी जिसे हमेशा किया है, ऑलवेज एंड फॉरएवर। फिर क्या हुआ? मैं फौरन वहां से निकल आई। सुधीर ने रोका नहीं तुझे? शायद वो भी एम्बेरस फील कर रहा हो, और अगर वो रोकता भी नहीं तो मैं नहीं रोकती। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, पता नहीं माजी ने क्या सोचा। अरे इसमें सोचना क्या है, उन्हें भी तो पता है तुम्हारा और सुधीर का क्या रिश्ता था, और फिर इतना तो वो भी समझती होंगी कि हस्बैंड वाइफ चाहे अलग हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ बाकी रहता है उनके बीच। यानी वे छोड़े सब बातें, ये बता स्नेहा ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? टीना तू उसका बैकग्राउंड जानती है ना, थोड़ा तो वक्त लगेगा उसे इस नई सिचुएशन से एडजस्ट होने में, और बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें, इसलिए इतनी जिद्दी और सेंसिटिव है वो। तूने थप्पड़ मारा था ना उसे, उसी की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। ओह प्लीज नीलू, अब तू भी मुझे गिल्टी फील करा रही है। मैं गिल्टी फील नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ। एनालाइज मत कर, इतना बताओ कि मैं इसे कंट्रोल कैसे कर सकूँ। टीना मेरे ख्याल से तू स्नेहा को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। बोर्डिंग स्कूल? प्लीज नीलू, हाउ कैन आई अफोर्ड अ बोर्डिंग स्कूल? टीना तू परेशान मत हो इस बारे में, मुझे करने दे काम। अगर स्नेहा को बोर्डिंग स्कूल में डालना ही था नीलू, तो मैं उसे अडॉप्ट क्यों करती? मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ, कोई गार्डियन नहीं। माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाड़ प्यार करो, डिसिप्लिन करना भी माँ का ही काम होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। You're doing it for her. Hi, मंजू, ये गहने कितने सुंदर हैं। है ना? वो हाल तो सबसे अच्छा है। पता है,
ये हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे मनु ने मुझे दिया था. इट वॉज अ सरप्राइज. और ये वाला देख, पता है ये शादी से पहले दिया था मनु ने मुझे. मेरा बर्थडे था. सच? वैसे मंजू, आजकल ऐसे गहने तो कहीं दिखाई भी नहीं देते. और आजकल उस तरह के रिश्ते भी कहाँ दिखाई देते हैं. खैर, जाने दिया. वैसे ये जो हार है ना, ये इन सब से थोड़ा मॉडर्न लगता है ना? है मॉडर्न, क्योंकि ये हमने लंदन में खरीदा था. पता है उस समर वेकेशन में जब हम छुट्टियों पे वहाँ गए थे ना, इतनी बीमार पड़ गई थी मैं, और मनु ने 10 दिन तक मेरा इस तरह से ख्याल रखा जैसे कोई छोटे बच्चे का रखता है. Well, खैर, ये ले 1 लाख रुपए का चेक. शालू, अब शायद उसकी जरूरत. एक लफ्ज भी आगे बोला ना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी. ओके. अच्छा, मुझे लगता है जाना चाहिए. वो ज्वेलर वेट कर रहा होगा मेरी. पता है, मैं तो सोच रही थी कि ये सब गहने मैं अपनी बहू को दूंगी एक दिन, पर आज वो दिन भी आएगा. और कोई तरीका भी तो नहीं है. चलो ठीक है. अकेलापन कैसा टीना? तेरा काम शुरू हो जाएगा, मंजू का स्पा शुरू हो जाएगा, यू'ल बी बिजी. टीना, स्टॉप फीलिंग गिल्टी. स्नेहा का बोर्डिंग जाना बहुत जरूरी है, आई एम टेलिंग यू. शायद तो ठीक कह रही है नीलू. आई जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट. अच्छा, एक काम कर, एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल के बारे में पता करा. यू डोंट वरी, पता नहीं करना है, मैं ढूंढ के ही निकालूंगी. बच्चे को गोद लेना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये मुझे अब पता चला. मुझे एक बात पता है कि तू ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाएगी. डोंट वरी, शी विल गो टू द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल. ओके, चलो ना. थैंक्स. बस यहाँ पास में आई थी किसी काम के लिए, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ. चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने कम से कम मुलाकात हो गई. क्या लोगी, कॉफी टी या आगे नहीं कह सकता? मजाक करना कोई तुमसे सीखे. वैसे कैसे हो तुम? बिल्कुल फिट, देखो ठीक लग रहा. दरअसल मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि कुछ पैसों का इंतजाम मैंने खुद कर लिया है. वो जो 10 लाख तुम मुझे देने वाले थे अगले हफ्ते, अब पूरे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंजू, वैसे मुझे भी थोड़ी सी दुश्वारी हो गई है. नो नो, आई डोंट मीन दैट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शायद अभी नहीं. सिराज, सब ठीक है ना? हाँ, सब सब ठीक है. देखो, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती. जरूरी नहीं है कि तुम मुझे पैसे दो अगर कोई प्रॉब्लम. डोंट बी सिली. देखो, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल. क्या हो गया? अब मेरा ख्याल ये तुम्हें बताना ठीक नहीं होगा. ओह, अगर कोई प्राइवेट बात है तो मैं प्रोब नहीं करूंगी. इट्स ओके. नहीं नहीं मंजू, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ. वो जो पैसे तुम्हें चाहिए थे बिजनेस में लगाने के लिए ना, ये समझो कि उस पैसों से किसी का घर बच सकता है.